यानी वैलेंटाइंस डे के शुभ अवसर पर यूपीएससी ने जारी कर दिया है 2024 का अपना नोटिफिकेशन, यानी 2024 यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का साइकिल अब ऑफिशियली बिगिन होता है 14 फरवरी यानी वैलेंटाइंस डे के शुभ अवसर पर। माफ करिएगा, 14 फरवरी का दिन है इसलिए मैं थोड़ा गड़बड़ा रहा हूँ दोस्तों। तो इस नोटिफिकेशन में कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको एकदम ध्यान रखनी ही रखनी है, क्योंकि अगर आपने ये गलती कर दी तो ये आपको आपका पूरा एक अटेम्प्ट भी कॉस्ट कर सकता है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप इस नोटिफिकेशन को एक बार ही सही सरसरी निगाहों में जरूर पढ़िए। 49 पेजेस का नोटिफिकेशन है, एक लंबा पोर्शन जो है सिलेबस के लिए दिया हुआ है तो वो आप उसको छोड़ सकते हैं, बट जो जो रिलेवेंट चीज़ें हैं स्पेशली आपके कैटेगरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जैसे आपको EWS है या OBC कैटेगरी से है या SC ST कैटेगरी से है, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लिए ज़रूरी है इसको आप वहाँ जा कर के स्पेसिफिकली डिटेल में देख लीजिए, ठीक है, एंड कन्फर्म कर लीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट होता हो तो UPSC ने एक फैसिलिटेशन के लिए नंबर भी प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है। मैं पूरा PDF जो है वो आपको अपने मेरे चैनल CSE विथ आनंद मोहन में डाल दूंगा, आप वहाँ पर जा करके देख सकते हैं कि कौन कौन से नंबर्स हैं, हेल्पलाइन नंबर्स UPSC के, जहाँ कॉल करके अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आपके सर्टिफिकेट वगैरह से रिलेटेड तो आप उसको कॉल करके एक बार कन्फर्म कर लीजिए फॉर्म भरने से पहले। दोस्तों दूसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपको ये ध्यान रखना है आपके फोटोग्राफ से रिलेटेड। तो फोटोग्राफ में आपका फोटो पुराना नहीं होना चाहिए, इट मीन्स कि जिस दिन भी आप एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं उससे मैक्सिमम 10 डेज ओल्ड हो सकता है आपका फोटो। फोटो में मेनली 2/3 पार्ट आपका फेस का होना चाहिए, फोटो के नीचे आपका नेम और डेट ऑफ फोटो, जिस दिन भी फोटो क्लिक किया गया है उसका डेट लिखा हुआ होना चाहिए, एंड इट मस्ट नॉट बी ओल्डर देन 10 डेज। जिस दिन भी आप अप्लाई कर रहे हैं उससे 10 दिन से अधिक पुराना आपका फोटो नहीं हो सकता है। एक और बात जो फोटो से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट है और ये गलती आपको नहीं करनी है, जैसे अगर आप अभी गंजे हैं, ठीक है, तो अब तो आप बाल नहीं उगा पाएंगे, ये थोड़ी सी परेशानी है, तो आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही एग्जाम गंजेपन की अवस्था में ही देनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपके पास बाल है तब तो आप अभी गंजा या ऐसा कुछ होने का डिसीजन मत लीजिएगा, अगर आपके पास बाल है ही नहीं तब तो मजबूरी में आपको वैसे ही देना होगा एग्जाम। अगर आप दाढ़ी रखते हैं हमेशा, ठीक है, और अभी आप दाढ़ी में फोटो खिंचा करके डालेंगे तो आपको प्री, मेंस, इंटरव्यू तीनों सेम बियर्डेड वे में ही जाना होगा, दाढ़ी लेकर के ही जाना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ दाढ़ी वाला फोटो डाल दें और वहाँ बिल्कुल मेरे जैसे एकदम भोले भाले बच्चे की तरह वहाँ चले जाएं, तो ये सही नहीं रहेगा, ठीक है। आप जिस अवस्था में भी फोटो डालेंगे उसी अवस्था में आपको वहाँ पर जाना है, कोई मेजर चेंज आपके लुक में नहीं होना चाहिए। तो ये दो चीज़ें हैं दोस्तों। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट ये है दोस्तों कि जो लास्ट डेट क्या है, देखिए लास्ट डेट है फॉर्म भरने का 5 मार्च, ठीक है, और जो सेंटर्स अलॉट होते हैं वो सेंटर्स अलॉट होते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट अलॉट बेसिस पर। जैसे आप मान लीजिए झारखंड में रहते हैं और सेंटर है रांची, आपको रांची ही सेंटर चाहिए तो आपको अभी जल्दी ही अप्लाई कर देना चाहिए। मान लीजिए रांची का कैपेसिटी अगर फुल हो गया तो आपको वो दूसरे भी सिटी में सेंटर दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको आपका प्रेफरेबल सेंटर मिल जाए तो आप नेक्स्ट 1 वीक या 10 डेज में आप अप्लाई कर दीजिए। वैसे लास्ट डेट है 5 मार्च, इससे ज़्यादा देरी आप तो कर ही नहीं सकते क्योंकि उसके बाद आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने पास अभी रख लेने चाहिए, आपका जो आधार है या कोई भी एक फोटो ID, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, आपका 10th, 12th और ग्रेजुएशन वगैरह का सर्टिफिकेट्स आपको अपने साथ रखना चाहिए। इसके साथ आपका कैटेगरी रिलेटेड सर्टिफिकेट भी आपको अपने पास रखना चाहिए दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हो गई। बाकी एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया है कि इसमें जो है निगेटिव मार्किंग है, ठीक है, और एज वगैरह के बारे में बताया गया है कि अप टू 32 ईयर्स ऑफ एज यू कैन अपियर फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है, और किसको किसको रिलैक्सेशन दिया गया है, 3 ईयर्स रिलैक्सेशन फॉर OBC एंड 5 ईयर्स रिलैक्सेशन फॉर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब या फिर पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, ठीक है। एक और चीज़ है, चेंज ऑफ कैटेगरी के लिए आप अपने तरफ से कोई भी एप्लीकेशन नहीं दे सकते हैं। अगर आपने जनरल कैटेगरी से अप्लाई किया है तो आपका कैटेगरी आगे चल करके EWS, OBC, SC, ST में कभी भी तब्दील नहीं किया जाएगा। सिर्फ एक केस में, अनफॉर्चुनेटली अगर इस अभी से एग्जाम के बीच में आपको कोई डिसेबिलिटी हो जाती है किसी दुर्घटना वगैरह के कारण, तो फिर आपको पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए कंसिडर किया जाएगा, बट वो एक अलग प्रोसेस है, भगवान ना करे ऐसा कुछ भी आपके साथ ऐसी कोई भी दुर्घटना हो। बट सिर्फ UPSC सिर्फ एक केस
में चेंज ऑफ कैटेगरी को कंसिडर करेगा, अदरवाइज इन नो केस यूपीएससी विल कंसिडर द चेंज ऑफ कैटेगरी। ठीक है, बाकी प्लान ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में आपको अवेयरनेस इस समय में होनी चाहिए। यूपीएससी टोटल तीन स्टेप में एग्जाम लिया जाएगा। पहला है प्रीलिम्स। देखिए प्रीलिम्स में के लिए फॉर्म भरेंगे लगभग 12 लाख बच्चे, 6 लाख बच्चे सेल्फ एलिमिनेट हो जाएंगे, यानी वो एग्जाम देने ही नहीं आएंगे। प्रीलिम्स आते आते तक वो लोग समझ जाएंगे कि उनकी तैयारी नहीं हुई है, वो लोग एग्जाम में नहीं बैठेंगे। बच गए 6 लाख बच्चे एग्जाम में बैठेंगे और लगभग 12,000 बच्चे प्रीलिम्स निकालेंगे, यानी 2% सक्सेस रेट है प्रीलिम्स में। फिर दोस्तों वो 12,000 बच्चे मेंस लिखेंगे और उसके बाद कुछ बच्चे मेंस के थ्रू सेलेक्ट होंगे इंटरव्यू देने के लिए, लगभग 2,500 से 3,000 बच्चे, और फाइनली सिलेक्शन होगा लगभग 1,000 बच्चों का। जो वैकेंसी है वो 1,054 बता रही है, लेकिन जो टोटल वैकेंसी होती है उससे कुछ कम ही बच्चे सिलेक्ट होते हैं, 50-100 कम ही सिलेक्शन होता है। तो आप मान के चलिए कि लगभग 1,000 आपका सीट है। तो ये जो 12 लाख बच्चों से शुरू होगा कॉम्पिटिशन, वो अंततोगत्व 1,000 बच्चों तक जाकर के सिमट जाएगा। यानी एग्जाम काफी डिफिकल्ट नेचर का है, इसमें ह्यूज कॉम्पिटिशन है। अगर आप इस एग्जाम का फॉर्म भरते हैं तो कम से कम अभी से लेकर के एग्जाम तक आप नॉन सीरियस एटीट्यूड में नहीं रह सकते। इट डज नॉट मीन कि आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना है या टेंशन लेना है। आप 8 to 9 hours डेली पढ़िए, प्रीलिम्स का सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करिए, अच्छे से रिवीजन करिए, खूब सारे एमसीक्यू सॉल्व करिए और खूब सारा मॉक टेस्ट दीजिए। ठीक है, इतना करके ही आपको प्रीलिम्स का एग्जाम देना है। एंड बियॉन्ड दैट देयर इज सम एक्स्ट्रा मतलब यू कैन नॉट कंट्रोल, बट यू कैन कंट्रोल इट व्हाट यू हैव आसानी से निकाल आपके कंट्रोल में, उसको आप कैसे करिए सब्जेक्ट वाइज आपके कंट्रोल में है, ज्योग्राफी पॉलिटी और आगे चल करके इकोनॉमिक्स आदि सब्जेक्ट। ऐसा नहीं कि आप फॉर्म भर दीजिए और वाइज टॉपिक वाइज बिना तैयारी के या फिर बिना स्ट्रॉन्ग तैयारी के आप सारे वीडियोस को फॉलो करके एग्जाम सारे एमसीक्यू को किसी भी कीमत पर नहीं, इट इज अ डिफिकल्ट एग्जाम, इट इज चैलेंजिंग या आगे आप एग्जाम दोस्तों प्रीलिम्स की अगर आप तैयारी कर सकते काफी बढ़ जाएगी। तो मैं आपको सीरियसली रिकमेंड करूंगा, मैंने सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज एमसीक्यूज के वीडियो अपलोड किए हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी एक पॉलिटिक्स के ऑलरेडी आ चुके हैं, नॉलेज को आगे इकोनॉमी साइंस एंड टेक वगैरह के भी सक्सेस के चांसेस मिलेंगे और ये एमसीक्यू बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे आपके प्रीलिम्स 2024 को क्रैक करने के लिए। तो आप उसको जाइए, प्लेलिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वन बाय वन आपको जाना है, प्लेलिस्ट खोलना है और सारे वीडियो जो है आपको वीडियोज के थ्रू सारे के सारे एमसीक्यूज आपको सॉल्व कर डालने हैं। इतना करके आप जाते हैं अपार्ट फ्रॉम जो आपका रेगुलर प्लान है, यानी आपकी रेगुलर स्टडी और रिवीजन और मॉक टेस्ट, उसके अलावा अगर आप ये सारे एमसीक्यूज करके जाते हैं तो इट विल हेल्प यू इमेंसली इन योर प्रीलिम्स। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है नोटिफिकेशन आने के बाद, और नोटिफिकेशन आ चुका है, यानी ऑफिशियली द साइकिल ऑफ प्रीलिम्स 2024 हैज बिगन एंड नाउ यू कैन नॉट रिलैक्स, मतलब रिलैक्स रहना है लेकिन अब आप जो है टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं, लेजीनेस में अपना वक्त नहीं गंवा सकते हैं, फालतू का टेंशन या स्ट्रेस लेकर के अपना वक्त नहीं गंवा सकते हैं। अब आपके पास सीरियस प्लान सीरियस स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिसको कि आप फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ते जाएं इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी परेशानी है, डाउट है, ठीक है, या फिर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल CSE विथ आनंद मोहन को ज्वाइन कर लीजिए, मैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए और वैलेंटाइंस डे के का UPSC के इस तोहफे को एकदम दिल से स्वीकार करिए और दिल से लग जाइए इस एग्ज़ाम के पीछे। मैं प्रे करता हूँ कि आप सभी का एग्ज़ाम जल्द से जल्द निकल जाए। धन्यवाद।